सलमान खान फिल्म में कर सकते हैं पुलिस वाला रोल? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म करण अर्जुन पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। दबंग फिल्म तो अपने रिलीज के टाइम से ही काफी फेमस रही है और आज भी लोग इस फिल्म के गानों से उभर नहीं पाए हैं। हालांकि इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑडियंस के दिलों में आज भी ये फिल्म उतनी ही ताजा है जितनी ये रिलीज के टाइम पर हुआ करती थी। मुन्नी बदनाम हुई और हुड़हुड़ दबंग पर तो लोग आज भी ठिकाने लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की, तो अगर उन टॉप लिस्ट में बाजीगर को ना गिना जाए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आज भी इस बाजीगर फिल्म को कहीं भी टेलीकास्ट किया तो शाहरुख खान के फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे कि इस फिल्म को पूरा खत्म किए बिना ही कहीं भी हिलेंगे नहीं। और आज भी उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग हर एक उनके फैंस के जुबान पर तो रहता ही है। और वहीं बात की जाए शाहरुख खान के लुक की, तो हर कोई उनके लुक का दीवाना है और आज भी उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग हर एक उनके फैंस के जुबान पर तो रहता ही है। और वहीं बात की जाए शाहरुख खान के लुक की, तो हर कोई उनके लुक का दीवाना है। और अगर हम इन दोनों सुपरस्टार्स की बात कर ही रहे हैं तो इन दोनों की फिल्म करण अर्जुन को कोई कैसे भूल सकता है, जैसे कि हाल ही में ये फिल्म काफी चर्चाओं में भी रह रही है। वो इसीलिए क्योंकि करण अर्जुन के सीक्वल के होने के चर्चे काफी तेजी से वायरल होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यानी कि एक और बार बिग स्क्रीन पर करण अर्जुन के सीक्वल के साथ इन दोनों खान्स को बड़े पर्दे पर देखा जा सकता है। और इससे भी बड़ी और इससे भी दिलचस्प खबर तो ये है कि फिल्म के मेकर्स इन दोनों के कैरेक्टर्स पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि सुनने में ये आ रहा है कि सलमान खान का करण अर्जुन पार्ट 2 में उनके दबंग के पुलिस वाले के रोल से दोनों कैरेक्टर्स काफी सिमिलैरिटीज हो सकती है। और वहीं हमारे किंग खान शाहरुख खान का रोल बाजीगर के रोल से मिलता हुआ दिखाया जा सकता है। तो फिर आप ये कह लीजिए कि इस बार फिर से बड़े पर्दे पर सलमान और शाहरुख यानी कि हमारे बाजीगर और चुलबुल पांडे की जोड़ी देखने के लायक होगी काफी दिलचस्प। जैसे कि हम सभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि शाहरुख खान अब की बार फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि कॉमेडी करना चाहते हैं। और जैसे कि पहले ही आपको ये पता ही होगा कि शाहरुख खान पहले रोहित शेट्टी की रोम कॉम चेन्नई एक्सप्रेस, फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर और 90s की उनकी फिल्म बादशाह में उन्होंने कॉमेडी किया था। तो जाहिर है कि शाहरुख खान अपनी कॉमेडी साइड को फिर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फैंस को हंसाने की थी। और जब से इस फिल्म के सीक्वल बनने की खबरें आई है तभी से उस फिल्म के रिलेटेड कई सारी खबरें सामने आती ही जा रही हैं। और उनमें से सबसे बड़ी खबर ये है फिल्म करण अर्जुन के सीक्वल यानी कि करण अर्जुन पार्ट 2 में दिख सकती है लॉरेन। जी हाँ, लॉरेन को अक्सर आइटम सॉन्ग्स में ही देखा गया है और उनको ABCD 2 में भी देखा गया था एज अ सपोर्टिंग एक्टर के रोल में। तो अभी मॉडल डांसर और एक्ट्रेस दिखेंगे सलमान खान और शाहरुख खान के साथ बड़ी स्क्रीन पर शेयर करते हुए, और वो भी शायद हो सकता है वो भी एक पार्ट में हिस्सा एक आइटम सॉन्ग करते हुए। तो इस फिल्म से रिलेटेड इतनी सारी नई नई खबरें सामने आने के बाद हम भी दर्शकों आपकी तरह काफी एक्साइटेड हैं इस फिल्म के रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के लिए। तब तक के लिए आपको क्या लगता है, क्या सच में बाजीगर और चुलबुल पांडे की जोड़ी मचाएगी धमाल बॉक्स ऑफिस पर? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, बने रहें मेरे साथ।